नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम बी के न्यूज चैनल सच का साथ। इस वक्त की खबर बागपत से आ रही है। बागपत से बीजेपी के पूर्व सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह और प्रयासों के चलते केंद्र की मोदी सरकार से जनपद बागपत को एक और बड़ी सौगात कल मिलने जा रही है। बागपत से बीजेपी के सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह के प्रयासों के चलते केंद्र की मोदी सरकार से जनपद बागपत को एक बड़ी सौगात कल मिलने जा रही है, जहां केंद्र सरकार से स्वीकृत एक मिनी खेल स्टेडियम जनपद के मितली गांव को मिला है, जिसके भूमि पूजन के लिए केंद्र सरकार में खेल मंत्री किरण रिजिजू, राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे। भूमि पूजन के बाद मितली गांव में बागपत मेरठ हाईवे के पास ग्राउंड में एक सभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही हैं और मंच और लोगों को बैठने के लिए पंडाल आदि लगवाए जा रहे हैं। वहीं बागपत से सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह के प्रतिनिधि ने बताया कि हमारे यहाँ एक मिनी स्टेडियम स्वीकृत हुआ है, जिसके भूमि पूजन का कल एक कार्यक्रम है, जिसमें भारत सरकार में खेल मंत्री किरण रिजिजू और प्रदेश सरकार में मंत्री उपेंद्र तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और बागपत से सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह और पश्चिमी क्षेत्र से अध्यक्ष मोहित बैनेवाल कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के बारे में जानना चाहेंगे, क्या कार्यक्रम है, कौन कौन यहाँ पर पहुँच रहे हैं? हमारे यहाँ एक मिनी स्टेडियम स्वीकृत हुआ है, तो उसका भूमि पूजन का कल कार्यक्रम है, जिसमें भारत सरकार के मंत्री आदरणीय किरण रिजिजू जी और प्रदेश सरकार से मंत्री आदरणीय उपेंद्र तिवारी जी, हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी और पश्चिम क्षेत्र के अध्यक्ष हैं मोहित बेनीवाल जी, जो इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। यहाँ पहले भूमि पूजन है, भूमि पूजन के बाद में यहाँ सभा होगी। किसानों का जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है, क्योंकि चेतावनी दी गई है चक्का जाम करने की, जिस तरीके से, तो उसको लेकर के क्या किस तरीके की व्यवस्था है? हमारे यहाँ तो कोई ऐसी बात है ही नहीं, हमारे सब किसान जो हैं सरकार के पक्ष में खड़े हैं और वो कल को दिखेंगे भी, जब यहाँ कार्यक्रम होगा तो यहाँ तो सब किसान सरकार के पक्ष में हैं। तो मंत्री जी बागपत से कैसे ट्रैक्टर टोली से जाएंगे? मंत्री जी ट्रैक्टर टोली में आएंगे। कितने लोगों की आने की उम्मीद है कार्यक्रम में? लगभग यहाँ पे 5-6 हज़ार आदमी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।